Welcome to Love, sir. This is lecture number 4, class 9th, physics. Topic is International System of Units. Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll talk about the International System of Units. We have two basic reasons to discuss this topic. First of all, what is System International or SI Units? What is SI? SI, the units say, And second, why do we need it? Why do we need it? ये दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. First of all, what is SI? System International of Units is a group of units. First of all, system of units जो है ये एक ग्रुप होता है यूनिट्स का. System of units जो है It is a group of units. A group of units. ये units के का एक group होता है जिसमें almost तमाम physical quantities की units होते हैं. अच्छा, याद रखिए unit, magnitude, physical quantity ये सारी चीजें मैंने इससे पिछले lecture में एक्सप्लेन की है. इसी लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे यूनिट्स के बारे में. अच्छा, हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. पहले जो थे वो थी CGS सिस्टम और दूसरा था FPS सिस्टम. ये सिस्टम किन क्वांटिटीज के बेस पर बनाए गए? ये क्वांटिटीज हमारे पास थी लेंथ, मास एंड टाइम. अब देखिए CGS में लेंथ की यूनिट थी वो सेंटीमीटर थी. क्या थी? सेंटीमीटर. मास की यूनिट ग्राम थी और टाइम की यूनिट जो थी वो सेकंड थी. FPS, this is also known as British Engineering Unit or the system of British Engineering Units. इसमें लिंक की यूनिट थी वो फुट थी. मास यूनिट पाउंड. टाइम यूनिट जो थी वो सेकंड थी. लेकिन 1969 तक ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलते थे पूरी दुनिया में. अब एम्बिग्यूटी पैदा हो गई. कोई मर्चेंट जो था वो सेंटीमीटर में कोई चीज ले रहा था तो उसको बेचना पड़ा था फुट में, या कोई चीज ले रहा था मास के लिहाज से ग्राम में उसको बेचना पड़ा था कभी पाउंड में, और टाइम तो खैर वो सेकंड है. इस सिस्टम को यूनिफाई करने की जरूरत पड़ गई. अब यहाँ पर वाई की बात आ रही है, डू वी नीड इट, इसकी बात आ रही है. सिस्टम को यूनिफाई करने की जरूरत पड़ी बिकॉज वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोब. और इस चीज को रियलाइज करने के लिए साइंटिस्ट बैठ गए कि अब इन दोनों सिस्टम से काम नहीं चलेगा, एक ही सिस्टम चाहिए जो पूरी दुनिया में ही राइज हो जाए. इंडिया में आजकल भी वैसे ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, अमेरिका में भी अमूमन इस्तेमाल होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन और जो स्टैंडर्डाइज है, जो रिप्रोड्यूसिबल है, जो रिपीटेबल है, वो सिस्टम हमारे पास ऐसा है, सिस्टम इंटरनेशनल. 1969 में साइंटिस्ट बैठ गए और एक ऐसे सिस्टम को राइज करने का फैसला कर लिया और उसको प्रोड्यूस भी किया जो पूरी दुनिया में कॉमन हो, पूरी दुनिया में राइज हो. उसके जो असली जो ओरिजिनल मेजर्स हैं, जो ओरिजिनल पैमाने हैं, वो फ्रांस में पड़े हुए हैं और उसके जो कापीज हैं बिल्कुल एज इट एज लाइक ओरिजिनल कापीज उसको फैलाया गया पूरी दुनिया में और उसको कहते हैं SI. यूनिट्स आर सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स. फ्रेंच में इसको पढ़ा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन है दिस इज International System of Units. इसको शॉर्टली कहते हैं SI Units. क्या कहते हैं इसको? SI Units. और इसको MKS System कहते हैं. MKS और SI. इसमें लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, सो M. मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, दैट इज किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. दिस रिमेन्स द सेम अबाउट ऑल दीज थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो MKS और SI यूनिट्स ये है क्या चीज? दीज आर दी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स. दीज कैन बी रिप्रोड्यूसिबल.
दिस आर ये स्टैंडर्डाइज भी है और रिप्रोड्यूसिबल भी है. मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि एक मीटर जो है ये इतना है फॉर एग्जांपल, तो किसी और जगह में ये मीटर इतना होगा. नहीं, ये और जगह में दुनिया के किसी भी कोने में मीटर इतना नहीं होगा जितने पैदावार है. ये है इतना ही होगा. किलोग्राम की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, इसमें 7 बेस यूनिट्स हैं. 7 कितने? 7 बेस यूनिट्स हैं. दीज आर सेल्फ डिफाइंड. यूनिट्स क्या है? सेल्फ डिफाइंड है. ये स्टैंडर्डाइज है, बिल्कुल ये एक्यूरेट है. 7 बेस यूनिट क्या है? ये एक्यूरेट है. इसमें लेंथ, मास, टाइम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट शामिल है. ये 7 क्वालिटीज है. इसको 7 बेस क्वालिटीज कहते हैं और उन यूनिट्स को 7 बेस यूनिट्स कहते हैं. इसी बेस यूनिट्स की मल्टीप्लीकेशन, डिविजन या दोनों से जो क्वालिटीज वजूद में आते हैं, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वालिटीज एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स. दूसरा ग्रुप क्या है इसमें? डिराइव्ड यूनिट्स. These are established, these are derived from the multiplication, division or both multiplication and division of the 7 base units. मैं इसकी मिसाल देता हूँ आसान अल्फाज में. एरिया, एरिया इज अ derived quantity and it is equal to length multiplied length. So unit of area will become like length की unit क्या है? meter multiplied meter. So this is meter square. This is the very simplest derived quantity, and meter square is the very simplest derived unit, which is the unit of area. In division में जो है, अगर हम speed ले लें, speed this is equal to length divided by time. ये डायरेक्ट क्वांटिटी है, ये बेस है, ये बेस है. दोनों में क्या है? डिवीजन. मैंने क्या बात की? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या दोनों. अब यहाँ पर सिर्फ डिवीजन है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन भी. अब इसकी यूनिट क्या है? लेंथ यूनिट मीटर और टाइम यूनिट मीटर पर सेकेंड, विच इज द नेक्स्ट अबिट कम्प्लेक्स, नॉट कम्प्लेक्स, अबिट difficult unit, a bit difficult derived unit which contain only division. Now we will go for the unit which contain both division and multiplication. If you talk about acceleration, अगर हम acceleration के बारे में बात करें, so acceleration, this is equal to length divided by time multiplied time. So acceleration is a derived quantity, length is base quantity, divided by time is a base quantity, multiplied time is base quantity. So here this is division and this is multiplication. It contains both multiplication and division. So the its unit will become meter divided by second multiplied second, which become equal to meter per second square. So this unit contains both multiplication and division. This was the story of international system of units. It is a standardized and reproducible system of unit, which copies of which are spread throughout the world. And it is a standardized system of units. It has 7 base quantities, and list all quantities are derived from the multiplication, division, or both multiplication and division of the 7 base quantities. So, the simplest derived quantity is area, and its unit is meter square. The next simplest is speed, which contains division only. And the next, a bit complicated, derived quantity is acceleration, whose unit contain both division and multiplication. This was the story of system and international of units.